हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। कैसे हैं आप सब? और जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्री बहुत पास आ रहा है, ठीक है? तो मई 31 को आपका प्रीलिम एग्जाम है यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का। तो आई होप सब लोगों की प्रिपरेशन जो है वो फुल मोड में चल रही होगी, अच्छे से सब लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एज प्रोमिस्ड, अभिपीडिया जो है आपके लिए रेगुलरली यूट्यूब पे क्लासेस लेकर आ रहा है, जो आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेंगी ही, और कहीं ना कहीं आपको पॉइंटर्स हम प्रोवाइड कराएंगे मेंस के लिए भी, ठीक है? तो लेक्चर में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम प्री और मेंस दोनों के लिए आपके लिए जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो लेकर आए। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बात बहुत बार बोलता हूँ कि जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, आपका मेन मोटिव एग्जाम क्लियर करना होना चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग में एक बार आईएएस बन जाओ, उसके बाद जो है डिटेल में चले जाना, पर अभी उतना पढ़ो जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है? कई बार मैं क्योंकि देखता हूँ कि यूट्यूब पे और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जब हम तैयारी शुरू करते हैं, बहुत सी जायज चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको कोई भी चीज पढ़ते हुए ये सोचना है कि क्या यूपीएससी इस पे सवाल पूछेगा, और अगर मेंस में भी आंसर राइटिंग मुझे करनी है, क्या ये पॉइंट मेरे को मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा? मैं अपनी फालतू की डिबेट्स जो है वो बाद के लिए बचाकर रख लेता हूँ, अभी मैं एग्जाम के ऊपर फोकस करता हूँ, ठीक है? तो चलिए, आज हम फ्रेंड्स एक आईआर का टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरवेंशन ऑन कश्मीर। अब मैंने ये यहाँ पर क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है। अभी कुछ दिन पहले WEF में पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया कि जो यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, और US, इनको इंटरवीन करना चाहिए कश्मीर इशू में। अब मैं यहाँ पर कौन सी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ UNMOGIP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? UNMOGIP, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ये बॉडी को क्या है, UNMOGIP, it stands for United Nations, के लिए UN ही रखूंगा मैं, मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर, या इन, कई जगह पर फॉर लिखा होता है, कई न्यूज़पेपर्स में इन लिखा होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? तो इन दो देशों के लिए ये बॉडी बनाई गई थी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस बॉडी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? ये बॉडी किस तरह से बनी और क्या, किस मकसद से ये बॉडी बनाई गई थी, और इसके ऊपर क्या इंडिया का स्टैंड है और क्या पाकिस्तान का स्टैंड है, ठीक है? अरे, इंडिया थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा हो गया इंडिया, पाकिस्तान छोटा हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, हम इंडियन है तो हमें इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये पाकिस्तान अब क्या बोल रहा है, पाकिस्तान ने WEF में भी बोला कि आप इंटरवीन करवाइए, ठीक है? US को बोला कि आप इंटरवीन कीजिए, इस बॉडी की हेल्प लीजिए। तो ये UNMOGIP क्या है और इंडिया क्या बोल रहा है? साफ सी बात है, इंडिया तो हमेशा यही बोलता है कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दा है तो वो इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठकर सुलझाएंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करते कि वो यहाँ पर आकर चौधरी बने, ठीक है? हम अपने चौधरी खुद हैं, हम दोनों सॉवरेन देश हैं, हम दोनों समझदार देश हैं, हम आपस में अपनी बातें कर लेंगे। पर पाकिस्तान कहता है नहीं। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान शुरू से जो है आपका जो इशू है कश्मीर का, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमेशा ध्यान बनाए रखना चाहता है, हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है कश्मीर इशू पर इन्वॉल्व करना चाहता है। अब इंडिया ने बेसिकली लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि UNMOGIP क्या है। तो इट वॉज इस्टैब्लिश्ड इन 1949, ठीक है? कब ये इस्टैब्लिश हुआ, 1949, प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया एक, ठीक है? 1949 में इस्टैब्लिश हुआ। अब बेसिकली हुआ क्या, जब कश्मीर में लड़ाई हुई, जब 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली और पाकिस्तान ने हमला कर दिया हिंदुस्तान के ऊपर, कश्मीर टेरिटरी के ऊपर, तो नेहरू जी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास चले गए कि भैया तुम लड़ाई को रुकवाओ, बड़ा नुकसान हो रहा है, अभी हम दोनों नए नए देश जो है पैदा हुए हैं, और अगर अभी हम लड़ाई करेंगे, वैसे ही हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतना इकोनॉमिक स्लो डाउन है दोनों देशों में, ठीक है? अभी हमारे पास लड़ने की शक्ति नहीं है। तो नेहरू जी चले गए UNSC के पास कि आप जो है इस मुद्दे का सोल्यूशन निकलवाइए, ठीक है, इस मुद्दे का सोल्यूशन निकलवाइए। तो UNSC ने 1948 में एक रेजोल्यूशन 39 अडॉप्ट किया, ठीक है? UNSC ने 1948 में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया
जिसको कहा जाता है रेजोल्यूशन 39। इसमें इन्होंने एक बॉडी बना दी जिसको इन्होंने नाम रखा UNCIP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, UNCIP। इसका मेनली काम क्या था कि ये इन्वेस्टिगेट करे और दोनों जो पार्टीज हैं, जो कंसर्न पार्टीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उनके बीच में जो है मीडिएट करे ताकि जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 1948 में इसमें अमेंडमेंट ले आई गई, अप्रैल 1948 में। अब आपको ये अप्रैल महीना याद हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, यूपीएससी आपसे महीना नहीं पूछेगा। मेनली आपको जो डेट यहाँ पर याद रखनी है वो ये 1949 वाली डेट है कि ये UNMOGIP बॉडी कहाँ बनी। और यहाँ पर जो मैं सारी पंचायत कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस जो है समझना है, क्लियर। तो अप्रैल 1948 में अब जो है यूएन ने एक रेजोल्यूशन, एक अमेंडमेंट लेकर आया और इसको बोला गया रेजोल्यूशन 47। ठीक है, अब क्या आ गया यहां पर रेजोल्यूशन 47। जो अमेंडमेंट हुई उस अमेंडमेंट ने रेजोल्यूशन 39 को खत्म कर दिया और नया रेजोल्यूशन ने 47 ले आया। अब ये वाला जो रेजोल्यूशन 47 है इसने आपकी ये बॉडी बना दी UNMOGIP। ठीक है, तो पहले 39 रेजोल्यूशन ने बनाई थी जो बॉडी, उसका नाम था UNCIP, और फिर अमेंड करके रेजोल्यूशन 47 ने UNMOGIP बना दी, क्लियर। अभी तक प्री के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए मेरे लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि UNMOGIP की मेरे को कम से कम फुल फॉर्म तो पता हो, ठीक है। अगर प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाएगा मेरे को पता होना चाहिए कि ये बॉडी क्या है, ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान से कंसर्न बॉडी है या किस चीज से कंसर्न बॉडी है। दूसरा, मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि ये कौन से साल में बनी है। आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, सीधा सीधा स्टेटमेंट देके मारेंगे कि UNMOGIP वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। ठीक है, अगर गलत स्टेटमेंट देनी होगी इस तरह से स्टेटमेंट मार देंगे, आफ्टर द 1970 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड अ बॉडी UNMOGIP। तो कंफ्यूज हो सकते हो ना, स्टेटमेंट बन सकती है, बिल्कुल रेलिवेंट है, कोई इसमें ऐसा तो नहीं है कि नहीं ये स्टेटमेंट नहीं पूछेगा यूपीएससी, समझ रहे हो। चलो अब बात हो गई इसकी, तो अब ये रेजोल्यूशन 47 कहता क्या है। रेजोल्यूशन 47 ने सीधी सीधी बात ये बोली कि भैया देखो जो कश्मीर का इशू चल रहा है, कश्मीर का इशू कैसे रिजॉल्व हो। तो इन्होंने कहा इस रेजोल्यूशन 47 में दो बातें इन्होंने बोली। पहले इन्होंने कहा कि जो ये पाकिस्तानी आए और इन्होंने पीओके को कैप्चर कर लिया तो पाकिस्तान पहले अपने सारे नेशनल्स को विड्रॉ करे, ठीक है, पाकिस्तान अपने सारे नेशनल्स जो आ गए थे, ठीक है, जितने भी लोग आ गए थे इस लड़ाई, इस इंट्रूजन के समय, वो खत्म कर दी जाए, यानी कि इंट्रूजन जो हुई थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए, ठीक है। सो पाकिस्तान वॉज आस्क्ड टू विड्रॉ इट्स नेशनल्स, सबसे पहली बात ये होगी, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिए एक मिनट। पाकिस्तान वॉज आस्क्ड, ओके, और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि जब ये नेशनल्स पाकिस्तान अपने विड्रॉ कर ले तब कश्मीर के अंदर एक प्लेबिसाइट कराया जाए, एक प्लेबिसाइट कराया जाए, ठीक है, मतलब कि कश्मीर की जनता जो है वो वोट करेगी कि वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहती है या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती है, ठीक है। और इसके लिए एक 5 मेंबर जो बॉडी है वो बनाई जाएगी UNMOGIP के अंडर ही, जो ये सारी चीजों को मॉनिटर करेगी, ओके। तो अब इस चीज ने, इसने एक और चीज करी इस UNMOGIP ने, इसने एक लाइन बना दी जिसको बोला गया सीज फायर लाइन, CFL, ठीक है, CFL, सीज फायर लाइन। अब ये लाइन कौन सी थी, जो जितनी टेरिटरी जो पीओके वाला एरिया जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था तो वहां पर ये CFL बनाया गया, जो आपका जो प्रेजेंट डे LOC है उसी से मिलता जुलता है। अभी हम LOC के ऊपर भी जाएंगे कि LOC आपका शिमला एग्रीमेंट में बना था, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने ये सीज फायर लाइन की यहां पर बात कर दी कि हम ये सीज फायर लाइन बना रहे हैं और जब तक तुम ये दो कंडीशंस नहीं फुलफिल करते तब तक हम इस सीज फायर लाइन को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। कौन सी दो कंडीशन, कि पहले पाकिस्तान अपने नेशनल्स को विड्रॉ करे और उसके बाद कश्मीर में प्लेबिसाइट कराया जाए, तब
तक हम इसको मॉनिटर जो है वो करेंगे, क्लियर है। और ये जो सीज फायर लाइन थी इसको बनाया गया अंडर कराची एग्रीमेंट, कराची एग्रीमेंट, इसको क्या बोला जाता है, कराची एग्रीमेंट 1949 का, क्लियर, कराची एग्रीमेंट 1949। एक और फैक्ट आ गया कराची एग्रीमेंट के बारे में, अब आपको पता चल गया कि ये कराची एग्रीमेंट क्या था। बेसिकली यूएनएमओजीआईपी के अंदर जो इन्होंने सीज फायर लाइन बनाई वो कराची एग्रीमेंट के तहत बना, ठीक है। तो ये 1949 में बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल प्री के लिए, आप सबके दिमाग में आना चाहिए था अभी तक और बहुतों के में आ भी गया होगा, कि ये जो यूएनएमओजीआईपी है अब इसकी फंडिंग कौन करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है लेकिन इसकी फंडिंग कौन करता है। तो इसका भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इसकी जो फंडिंग होती है वो रेगुलर यूएन बजट से आती है, ठीक है, फंडिंग थ्रू रेगुलर यूएन बजट। ये भी अब अपने लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, पूछ लेंगे, ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है कि इस पे पूछा जाएगा सवाल या नहीं पूछा जाएगा। अब इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया का स्टैंड ये है कि भैया हम इस रेजोल्यूशन 47 को नहीं मानते, ठीक है, क्यों नहीं मानते, इंडिया इज डिनायल, इंडिया इज डिनायल क्या है कि सबसे पहली बात तो आपने कहीं पे भी इस यूएन रेजोल्यूशन में पाकिस्तान ने जो मिलिट्री इन्वेजन किया 1947 में उसकी बात ही नहीं की, आपने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया पाकिस्तान के इन्वेजन को, ठीक है। सो इंडिया सेड दैट यूएनएमओजीआईपी इग्नोर्ड पाकिस्तान इन्वेजन, कि भैया आप हमें पाठ पढ़ाने से पहले आप ये देखो कि इन लोगों ने इन्वेड किया हमारी सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि महाराजा जो थे, महाराजा ऑफ कश्मीर थे, उन्होंने बकायदा जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और आपने अपने इस रेजोल्यूशन 47 में उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। इस तरह से तो और भी हमारे साथ रियासतें जुड़ी थी, आप सब में कह दोगे कि प्लेबिसाइट कराओ, ठीक है, जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया उसके बाद प्लेबिसाइट का मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। तो इन दोनों दूसरी बात क्या बोली, दैट द बॉडी इग्नोर्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय महाराजा ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ये दो बातें इन्होंने बोल दी। और पाकिस्तान क्या कहता है, नहीं नहीं भैया हम तो रेजोल्यूशन 47 जो है आप इसको मॉनिटर करो अच्छे से। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी इस पे थोड़े से मुद्दे उठाए। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान इस वाले पॉइंट पे अड़ा हुआ है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये वाला पॉइंट है कि आप नेशनल को विड्रॉ करो। पाकिस्तान कहता है कि इंडियन फोर्सेस भी तो है कश्मीर में, तो आप इंडियन फोर्सेस को कश्मीर से हटाओ, ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि इंडियन फोर्सेस को कश्मीर से उठाओ। और दूसरी बात क्या कहता है कि भाई जो कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें पीओके के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, जो हम देते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने पीओके में पार्टी बनाई हुई है उसको आप वापस जो है प्रेजेंस दो। तो इंडिया इसको मना करता है। अब इंडिया का एक और पॉइंट है, अब इंडिया का एक कंसर्न चला जाता है बच्चों फिर शिमला एग्रीमेंट के ऊपर। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं शिमला एग्रीमेंट के ऊपर कि जो ये सारी पंचायत यूएन कर रहा है और इंडिया इसको क्यों डिनाई करता है। अब 1971 में इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश के मुद्दे के ऊपर, तो लड़ाई हो गई और इसमें इन्होंने क्या बोला, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या डील हुई, इन्होंने बात ये कर ली कि हम एक एलओसी बनाएंगे। अब ये जो आपकी एलओसी थी ये बेसिकली सीज फायर लाइन जैसी ही थी, थोड़े बहुत चेंजेस थे, ठीक है। तो इसमें एक तो एलओसी इस्टैब्लिश होने की बात होगी और दूसरी इन्होंने शिमला एग्रीमेंट में बात कर ली कि भैया जो इंडिया और पाकिस्तान का इशू है इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो इसमें क्या बात हो गई, नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ठीक है,
ये सारी बातें हो गई। अब इंडिया क्या कहता है कि देखो ये तो कराची एग्रीमेंट तो 1948 में हुआ था, लेकिन 1971 में हमने सिमला एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ, उसमें नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब UNMOGIP या US या कोई भी UN की बॉडी जो है उसको हम नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे, हमारे ये इंटरनल मैटर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, हम आपस में सुलझाएंगे। और हम उसके लिए एग्जांपल देते हैं सिमला एग्रीमेंट का। ठीक है, कराची एग्रीमेंट हुआ था, पर अब सिमला एग्रीमेंट हो गया और सिमला एग्रीमेंट 1971 में हुआ है, तो जो 1971 वाला एग्रीमेंट है हम उसको मान्यता देंगे। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? तो बेसिकली इंडिया क्या कह रहा है कि इसकी जो रेलिवेंस है, इसकी रेलिवेंस हैज बीन आउटलिव्ड, मतलब कि अब ये पुराना हो चुका है, अब इसकी कोई रेलिवेंस नहीं बचती है हमारे लिए। अब दूसरा, यूएन का क्या स्टैंड है? यूएन कहता है देखो अब इस रेजोल्यूशन 47 से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इंडिया को भी है, जो इंडिया के कंसर्न है, और मैंने यहां पर आपको पाकिस्तान के कंसर्न भी बताए। ठीक है, तो यूएन कहता है कि दिस बॉडी कैन बी टर्मिनेटेड, कि आप इस बॉडी को टर्मिनेट कर सकते हो, बट इफ यूएनएससी डिसाइड्स टर्मिनेटेड, इफ यूएनएससी डिसाइड, मतलब कि यूएनएससी इस बॉडी को टर्मिनेट कर सकता है। एक और पॉइंट बन गया, ठीक है, कि अब इस बॉडी को टर्मिनेट करने की पावर किसके पास है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यह भी प्रीमियर स्टेटमेंट देकर पूछी जा सकती है। तो मोर और लेस हमने आज जो अपना यहां पर इशू डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन ऑन कश्मीर, जिसकी बात पाकिस्तान बार बार दोहराता है, उसमें क्या इंडिया का स्टैंड है और क्या पाकिस्तान का स्टैंड है। एक बार स्क्रीन्स आपके सामने है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारा जो आपका एक तरह से माइंड मैप जो है आपका बोर्ड पर प्रिपेयर्ड है। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और ऐसी वीडियोस ताकि आपको रेगुलरली मिलती रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन या कुछ आपको इसमें कुछ डाउट आता है या कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ एरर लगता है, तो आप ऑलवेज हमें बता सकते हैं। आपका फीडबैक जो है इट इज वेरी मच रिस्पेक्टेड। ठीक है, आप अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिए और हम उस पर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई IR या सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है उसको समझना है तो वो भी कमेंट में कर सकता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, आपके सजेशंस जो है वो ऑलवेज जो है पॉजिटिवली लिए जाएंगे। कोई क्वेरी है उसको विद इन 24 आवर्स या आंसर कर दिया जाएगा। 24 आवर्स तो मैं मैक्सिमम लिमिट बोल रहा हूँ, नहीं तो जल्द से जल्द उसको आंसर कर दिया जाता है, घंटे दो घंटे में जवाब जो है दे दिया जाता है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।